अंग्रेजी समीर कित है? ओ मैनू की पता, सुबह से ढाबे का कोना कोना चेक कर रहा, तो साफ सफाई में भी खुद ही लगा हुआ। ओ बाबूजी क्या गुम गया, हम गोला बारूद नहीं छुपाते ढाबे में। ध्यान कहाँ रहता है तेरा आजकल, कभी कसरत करते हुए चोट लग जाती है, कभी काम करते हुए गिर जाता है, कितना संभालूं मैं तुझे। पट्टी क्यों निकाल दी? जरूरत नहीं लगी मुझे इसकी। और हाथ फोड़ने की जरूरत लगी? तू ना अपने काम से मतलब रख, अरे जासूसी करना बंद कर, अच्छी आदत नहीं है। जासूसी करने की मुझे कोई जरूरत नहीं, मैं जख्म देखकर ही अंदाजा लगा सकती हूँ। मेरी मान, पट्टी बांध ले, वरना लोग पूछ पूछ कर जान ले लेंगे तेरी। मुझे नहीं लगी ना गहरी वाली। लगी तो कई बार, पर किसी ने हालचाल पूछा ही नहीं। इस बार सोचती हूँ इसी बहाने से मारूंगा कान के नीचे तेरे। ये क्या ड्रामा है, पागल हो गई है तू? तुझे पूछना पड़ रहा है, तू नहीं जानता कि मैं तुझसे प्यार करती हूँ समीर। तू क्यों नहीं मानता कि तू भी मुझसे प्यार करता? ऐसा क्या है जो तुझे मेरे पास नहीं आने देता? मत सुन उसकी, समीर मत सुन। बलबीर, ये क्या डर बैठ गया है तेरे मन में? अब तो अच्छे दिन आ गए हैं, बेटा लौट आया है, नाम कमा के आया है, तेरा ढाबा भी तो संभाला है, कल को नौकरी पे भी निकल जाएगा वो वापस। बाबा, समीर को खुश देखने के दिन आ गए, पर वो खुद अपनी खुशी को धुतकार रहा है। जान दे रहा था पहले मेहर से शादी करने के लिए, और अब देखिए ना, खुद ही मना कर रहा है। सारा दिन दोनों सींग अड़ाते रहते हैं, तू मैं करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। मेहर दुखी है, कहती नहीं है मुझसे,
पर अंदर ही अंदर टूटती जा रही है, बार बार गरुंदा बनाती है, सपने देखती है, फिर हवा आती है और सब कुछ टूट जाता है। मेहर जैसी लड़की के साथ ऐसे कैसे कर सकता है राम? शादी क्यों टाल रहा? आखिर कहता क्या है इसमें? बाबा वो यही कहता है कि जब तक पुराने जख्म नहीं भर जाते वो इस बारे में बात नहीं करेगा। बाबा ये कैसे जख्म जो अपनों के साथ रहकर भी भरते नहीं? जख्म जब अपनों से मिलते हैं तो भरने में वक्त लगता है। अपनों से मतलब? तू नहीं समझेगी। बाबा मैं समीर को आपके पास भेजती हूँ, आप उसे समझाइएगा। वो खुद चल के आएगा मेरे पास, तू चिंता मत कर। बाबा उसे किसी भी तरह से ब्याह के लिए मनवा लेना, कुड़ी का दुख अब और नहीं देखा जाता। कभी देखा नहीं किसी लड़की की तरफ, प्यार वाली गली में झांक कर तक नहीं देखा। और आज जब मेरे वतन का फर्ज, मेरे मिशन निभाने का वक्त आ गया, जब प्यार सिर्फ बर्बादी लेकर आएगा, तब एक लड़की मेरा वजूद ही ला गई, इकबाल को इकबाल से जुदा कर रही है। मोहब्बत नाजायज है मेरे लिए, तुम रोक लो परवरदिगार, रोक लो। तुम जानते हो कि मैं उसे मोहब्बत तो दे सकता हूं लेकिन अपना ईमान नहीं। मालिक से ज्यादा जानता है तू। किस मलिक की बात कर रहे हैं आप? वही जिसने तुझे यहां भेजा है। कौन, किसने भेजा मुझे? सबको वही तो भेजता है, तेरा मालिक, मेरा मालिक। तुझे किसी और ने भेजा है क्या? पहेलियां क्यों बुझा रहे हैं बाबा, आप ही बता दीजिए। मैं तो उसका सिर्फ हुक्म बचा रहा हूं। क्या हुक्म है उसका? अपने वतन की खिदमत। गलत, तू कुछ लेने आया है यहां? यहां किसी खास मकसद से भेजा गया है तुझे। जो तू कर रहा है वो अपने वतन की खातिर ही नहीं
बल्कि बहुत कुछ जानता है तू, कुछ ज्यादा ही जानता है। बहुत दिनों से नजर थी मेरी तुझ पे। कौन हो भाई और क्यों नजर रखे हो मुझ पे? मेरा खुदा है ना मुझ पे नजर रखने, उसी के पास भेजने का वक्त आ गया है। तैयार हो जाओ। कहां से है तू? कभी देखा नहीं तुझे यहां। क्या नाम है? इकबाल। खुदा के बंदे, कुछ नहीं होना चाहिए। कोई क्यों मारेगा बाबा को? किस लिए? बाकी किससे दुश्मनी हो सकती है? क्या हो गया? एक मिनट में सीता ने कितनी बड़ी बेवकूफी कर दी। और मैंने मक्खियों के छत्तों में हाथ डाल दिया है। पुलिस केस बनेगा। मसीता भी नजर में आ गया और मैं भी आ जाऊंगा। समीर पुत्र, बेबे, हाँ मेर, बेबे, बेबे, वो उस आदमी ने मेरी आंखों के सामने बाबा को चाकू मार दिया। नास उस जल्लाद का, उसका सब कुछ खत्म हो जाए। बशीर बाबा ने किसका क्या बिगाड़ा था? मैं तो खुद हैरान हूं, कोई बशीर बाबा की जान क्यों लेना चाहेगा? मेहर, बशीर बाबा कैसे हैं? कहां हैं? डॉक्टर ने क्या कहा? खतरे से बाहर है कि नहीं? पता ना? ये कुछ नहीं पता। वो ऑपरेशन थिएटर में थे कि शायद पापा। नहीं, मैं इधर देख, बशीर बाबा को कुछ नहीं होगा। वाहेगुरु उनके साथ। उनको आईसीयू में शिफ्ट कर देना एंड कीप हिम अंडर क्लोज ऑब्जर्वेशन। डॉक्टर साहब, बाबा कैसे? वो ठीक तो हो जाएंगे ना? खून बहना तो बंद हो गया है, लेकिन यहाँ पहुंचने से पहले काफी खून बह चुका है। घाव गहरा है। ऐसी हालत में और इस उम्र में बाबा कमजोरियों से भी लड़ सकते हैं या नहीं, यही सवाल है। बाबू को यहाँ कौन लाए? इंस्पेक्टर साहब, मेरा पुत्र समीर लाए। देवी नमस्ते। सत श्री अकाल। समीर साहब है कहाँ? समीर, जी बोलिए। आप पहचानते हैं मारने वाले को? देख पाए थे उसे? आइडेंटिफाई कर सकते हैं? जी, हम दोनों ने उसे बहुत अच्छे से देखा है। मुझे उसका नाम भी पता है। क्या नाम है उसका? इकबाल। बाल, बाल। इकबाल। क्या कैसे हो गया ये सब? इतना बड़ा हंगामा कर दिया बेवजह। बेवजह नहीं जनाब, उसे इकबाल पे शक हो गया था। अजीब अजीब से सवाल कर रहा था। हो ही नहीं सकता,
किसी परिंदे को भी कानो कान खबर नहीं है हमारे सिवा इस मिशन की। जनाब मैंने उसे अपने कानों से कहते हुए सुना इकबाल से कि तू कुछ लेने आया है यहाँ पर, किसी मकसद से भेजा है तुझे यहाँ पर। तू जो कर रहा है वो अपने वतन के लिए नहीं। तो मैंने सोचा कि उसका जिंदा रहना हमारे मिशन के लिए खतरनाक हो सकता है, तो मैंने। बाबा को कैसे पता चल सकता है? जनाब अब ये तो वही बता सकता है, अब आगे क्या हुक्म है? बाबा जिंदा नहीं बचना चाहिए। तो मैं अभी जाकर उसे कत्ल कर दूं? वो अपने आप कुछ नहीं करेगा, मेरे ऑर्डर की वेट करेगा। जी बेहतर है। जनाब एक गड़बड़ हो गई। अब और क्या? अब लड़की ने देख लिया मुझे छुरा मारते हुए। लड़की? कौन सी लड़की? मेहर ने। पता नहीं कैसे अचानक वहां पहुंच गई। जरूर इकबाल ने बुलाया होगा। तुझे लगता है वो तुझे आसानी से पहचान लेगी? जनाब काफी करीब से देखा है उसने। हो गया मिशन पूरा। नौ सिक्कियों की फौज पाल रखी है मैंने। नाम कैसे पता? चाकू मारने से पहले बाबा ने उससे नाम पूछा था। कहाँ से है तू? नाम क्या है तुम्हारा? तो चीख कर उसने यही कहा। यही नाम था? अभी वहीं थे ना? हाँ उसने यही नाम लिया। उत्तर तू उदास मत हो, बशीर बाबा को कुछ नहीं होगा। बचपन से बहुत मानता है बशीर बाबा को और बशीर बाबा इससे बहुत प्यार करते हैं। वैसे और कुछ जानते हैं आप? बाबा ही किसी दुश्मन या कोई लड़ाई झगड़ा? इंस्पेक्टर साहब बशीर बाबा जैसे इंसान की किसी से क्या दुश्मनी और किसी से क्या झगड़ा? फकीर है बेचारे वो तो। बाबा जब कुछ बताने के लायक होंगे तभी पूछताछ आगे बढ़ सकती है। शायद बाबा को ही कुछ पता हो। वैसे बाबा की स्टेटमेंट कब ले सकते हैं? कल सुबह तक ही बता सकते हैं, अभी वो होश में नहीं है। जैसे ही होश में है हमें फौरन इत्तला कर देना। और तुम बाबा के कमरे के बाहर तैनात रहना। आइए मेरे साथ। कुछ होगा तो मैं बताना। बलबीर मेरा ख्याल अब तुम लोगों की घर चलो, मैं और समीर यहां रुकते हैं सुबह होने तक। नहीं बीजी मेरा मन नहीं मान रहा। मैं तो कहता हूँ आप तीनों निकलो, मैं यहां रुकता हूँ। वैसे भी इतने लोगों की जरूरत नहीं है यहाँ पर, हमें खामा का परेशान हो रहे हैं सब। ये भी ठीक है, यहाँ भीड़ लगाने से कोई फायदा नहीं। बेटे अगर कोई जरूरत हुई तो हमें फोन कर देना, मैं या पूरा कोई भी आ जाएगा। मैं भी रुक जाती हूँ। क्यों? तू क्यों रुकेगी? मैं हूं ना यहाँ पर, फोन कर दूंगा। बेबे को घर लेके जाओ और ख्याल रखना बेबे का। बेबे लेके जाए इसे, मैं हूं यहां पर। चल मैं। अगर बाबा बच गए तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा, पुलिस केस में फंस जाएगा मसीता, और अगर बाबा को होश आ गया तो वो क्या बयान देंगे पता नहीं। Yeah.